नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएमए पटना यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग 16 से 20 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। और करंट अफेयर देखने से पहले हम लोग 11 से 15 सितंबर तक के प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा देश एससीओ का सदस्य नहीं है? और ऑप्शन है आपके पास भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान और रूस। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ नहीं पूछ रहा है इसीलिए ये उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन ई सही है इसका, क्योंकि ऊपर के जितने भी देश हैं वो सभी एससीओ के सदस्य हैं। आगे है, निम्न में से कौन सा स्टेल्थ शिप प्रोजेक्ट 17A के तहत शामिल नहीं है? यहाँ पे प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट 17A के तहत शामिल नहीं है। तो हाल ही में तारागिरी को शामिल किया गया है और INS नीलगिरी और उदयगिरी पहले से शामिल थे, तो पूछ रहा है कौन सा शामिल नहीं है। तो आंसर हो जाएगा INS वागसीर। ठीक है, नेक्स्ट है, कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो हाल फिलहाल में यह चर्चा में रहा है, यहाँ पे चीते लाए गए हैं अफ्रीका से, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। आगे है, निम्न में से कौन सा भारत में अधिसूचित रोगों की सूची में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कैंसर। बाकी एड्स, पोलियो और हेपेटाइटिस भी, ये तीनों ही शामिल है अधिसूचित रोगों की सूची में। आगे है, आर्कियोलॉजिकल एटलस ऑफ बिहार पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो इसमें आंसर हो जाएगा अरुण कुमार झा। ठीक है, तो ये 11 से 15 सितंबर तक के प्रश्नों को हमने हल कर लिया है। अब आगे चलते हैं 16 से 20 सितंबर 2022 के प्रश्न पे, सॉरी करंट अफेयर पे। तो इसमें पहले हम लोग इंटरनेशनल न्यूज को कवर करेंगे। इंटरनेशनल न्यूज में पहला जो खबर है, पहली खबर वो है कि कजाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीका शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है। ठीक है, किसके लिए? सीका के लिए। और सीका होता है कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया। ठीक है, और सीका का आयोजन 4 वर्षों में होता है। और सीका का सदस्य देश होने के लिए आवश्यक शर्त है कि इच्छुक देश को एशिया में स्थित होना चाहिए या फिर उसका कोई हिस्सा एशिया में होना चाहिए। और वर्तमान समय में सीका में भारत सहित 27 सदस्य हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं, हाल ही में कंबोडिया में 19वीं आसियान भारत आर्थिक मामलों की मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है और इसमें आसियान और भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा करेंगे। और साथ ही साथ भारत व आसियान ने, ये भी आप लोगों को फैक्ट एक जान लेना चाहिए कि भारत और आसियान ने व्यापक आर्थिक फ्रेमवर्क समझौते पर वर्ष 2003 में हस्ताक्षर किए थे। आगे चलते हैं हम लोग, वाराणसी को एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF के 4 स्तंभों में से 3 में शामिल होने का फैसला किया है। और IPEF मई 2022 में USA द्वारा शुरू की गई एक आर्थिक पहल है। ठीक है, और इसके जो 4 स्तंभ है उसमें से 3 में भारत शामिल होगा। और जो 4 स्तंभ है उसमें से पहला है लचीली अर्थव्यवस्था, दूसरा है स्वच्छ अर्थव्यवस्था, तीसरा है निष्पक्ष अर्थव्यवस्था और चौथा है कनेक्टेड अर्थव्यवस्था। तो चलिए हम लोग अब अगले खबर पे चलते हैं। हाल ही में यूरोपीय संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार हंगरी को अब लोकतंत्र के स्थान पर निर्वाचित निरंकुशता कहा जाएगा। ठीक है, और निर्वाचित निरंकुशता कहते हैं किसे कहते हैं? तो एक निर्वाचित निरंकुशता निरंकुश सरकार वह रूप है, एक निर्वाचित निरंकुशता सरकार का वह रूप होता है जहां चुनाव तो होते हैं लेकिन लोकतांत्रिक मानदंडों और मानकों का सम्मान अनुपस्थित होता है। मतलब वहां पे वैल्यू ही नहीं की जाती है लोगों की, जनता के मत की, या फिर कोई मानदंड नहीं होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? निर्वाचित निरंकुशता। नेक्स्ट है, 16 सितंबर को 28वां विश्व ओजोन दिवस मनाया गया जिसका विषय था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट 35, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने के लिए वैश्विक सहयोग। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब आगे हम लोग चलते हैं कि 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया गया और इस वर्ष की थीम थी #plantbamboo। ठीक है, और आगे है, इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022 में भारत और डेनमार्क ने, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022 में
भारत और डेनमार्क ने भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर श्वेत पत्र जारी किया है। ठीक है, कौन कौन से देश हैं? भारत और डेनमार्क। और ये हमारा इंटरनेशनल न्यूज़ कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग चलते हैं नेशनल न्यूज़ की ओर। तो यहाँ पे है पहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक लागत को 13.14% की वर्तमान दर से कम कर इकाई अंक तक लाना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का शुभारंभ किया गया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को पूरा करने में किसी भी देरी के लिए राज्य सरकारों पर दंड का प्रावधान किया गया है। तो ये एडवाइजरी जारी की गई है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा कि इस योजना के क्रियान्वयन में यदि देर होती है तो राज्यों पर अर्थदंड लगाया जा सकता है। अब आगे है, भारत में प्रत्येक वर्ष 20 सितंबर को आरपीएफ की स्थापना के दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 20 सितंबर को रेलवे पुलिस फोर्स की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आरपीएफ एक केंद्रीय सशस्त्र बल है और यह रेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नवीनतम मानव विकास सूचकांक में भारत 2020 में 130 से दो स्थान फिसल कर 2021 में 132 पे आ गया है। ठीक है, 2020 में कितना था? 130। और कितने स्थानों की नीचे आ गया है? दो स्थान नीचे आ गया है और 2021 में 132 हो गया है। और ज्ञात हो कि यह मानव विकास सूचकांक UNDP द्वारा जारी किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज है कि तेलंगाना के वारंगल और केरल के त्रिशूर और नीलांबुर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हो गए हैं। ठीक है, तो ये कितने शहर हो गए? वारंगल, त्रिशूर और नीलांबुर, तीन शहर हो गए टोटल। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थापित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछे जाते हैं सीधे सीधे। क्या हो जाएगा कि भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थापित किया जाएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग कि विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 60 स्टार्टअप्स को इंस्पायर पुरस्कार, यहाँ पे को हो जाएगा, 60 स्टार्टअप्स को इंस्पायर पुरस्कार और 53,000 छात्रों को, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अच्छे से पॉइंट हटा के, है ना, 53,021 छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। ठीक है, किसने? विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। तो पूछा जा सकता है, इंस्पायर पुरस्कार हाल ही में दिया गया है, ये किसी से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा, स्टार्टअप्स से संबंधित है ये इंस्पायर पुरस्कार, जो विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। अब आगे देखते हैं कि विश्व चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला विनेश फोगाट बन गई है। ठीक है, नाम है विनेश फोगाट, यहाँ पे विनेश छूट चुका है, माफी चाहती हूँ, विनेश फोगाट बन गई है। उन्होंने सर्बिया के बेलग्राद में 53 kg वर्ग में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, आगे देखते हैं, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री प्रतियोगिता में भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया ने रजत पदक हासिल किया। ठीक है, इन्होंने रजत पदक हासिल किया, तो देवेंद्र झाझरिया जी ने। तो ये हमारा नेशनल न्यूज कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं बिहार न्यूज पे। तो यहाँ पे है कि सड़क हादसों को रोकने के लिए 5 NH पर स्पीड रडार गन लगाई जाएगी। और ये NH है NH2, NH30, NH28, NH31 और NH57। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ NH के नाम, जहाँ पे कि स्पीड रडार गन लगाई जाएगी, NH2, NH28, NH30, NH31 और NH57। आगे है, राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में नो बैग डे तथा खेल पीरियड अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, तो राज्य के बिहार में जितने भी सरकारी विद्यालय हैं वहां पे नो बैग डे तथा खेल पीरियड अनिवार्य कर दिया गया है, कर दिया जाएगा थोड़े दिनों में, ताकि बच्चों को थोड़ा सा स्कूल से वो फ्रेंडली हो सके, ऐसे पढ़ाई उन्हें बोझ ही न लगे। आगे है, पटना नगर निगम इंडियन स्वच्छता लीग के कप्तान आनंद कुमार, जो Super 30 के संस्थापक हैं, इन्हें बनाया गया है कप्तान। किस चीज का? पटना नगर निगम इंडियन स्वच्छता लीग का। ठीक है, आगे चलते हैं, टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल के सहयोग से NIT पटना के परिसर में कौशल प्रशिक्षण हेतु सेंटर ऑफ एक्सलेंस का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग कि हाल ही में ऋतिक आनंद ने
पटाया थाईलैंड में आयोजित छठे एशिया पैसिफिक डिफ बैडमिंटन शिप चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स में गोल्ड और सिंगल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, किन्होंने जीता है? ऋतिक आनंद ने। कहाँ जीता है? तो पटाया थाईलैंड में। क्या हो रहा था? छठा एशिया पैसिफिक डिफ बैडमिंटन चैंपियनशिप हो रहा था। ये इसको अच्छे से एक बार आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे न्यूज़ पूछे जाते हैं। किन्होंने जीता है पदक? ऋतिक आनंद ने जीता है। कहाँ? तो थाईलैंड में आयोजित हो रहा था जो गेम, कौन सा? एशिया पैसिफिक डिफ बैडमिंटन चैंपियनशिप। ठीक है, और इसमें मिक्स डबल्स में क्या जीता है? तो डबल्स में गोल्ड जीता है और सिंगल्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, इन्होंने, ऋतिक आनंद ने। तो ये बिहार की न्यूज़ को भी हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग चलते हैं चौथे सेगमेंट पे, आज के प्रश्न इस पे। तो देखते हैं ये जो संबंधित करंट अफेयर है, जो ऊपर हमने अभी कवर किया, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर आपको अगले वीडियो में दिए जाएंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी तेलंगाना या फिर डी बिहार, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर आप सभी को नोट करना है और इसका आंसर मैं आप सभी को उसके साथ अगले वीडियो में शेयर करूंगी। अगर आपको इसका जवाब नहीं पता है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि जवाब इसी वीडियो में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा कि ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में भारत के निम्न में से कौन से शहर शामिल हैं? ऑप्शन है आपके पास ए वारंगल, बी अहमदाबाद, सी त्रिशूर, डी नीलांबुर या फिर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के सरकारी विद्यालयों में नो बैग डे अनिवार्य किया जाएगा? आपके पास ऑप्शन है ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी उत्तराखंड या ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। और आगे है चौथा प्रश्न कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 सितंबर, बी 16 सितंबर, सी 17 सितंबर या फिर डी 18 सितंबर या ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक दिनों पे। पांचवा जो प्रश्न है वो है वर्ष 2022 में बांस दिवस की थीम क्या है? ऑप्शन ए है हैशटैग ग्रीन गोल्ड बैम्बू, ऑप्शन बी है हैशटैग ह्यूमन फॉर बैम्बू, ऑप्शन सी है हैशटैग प्रोटेक्ट बैम्बू या फिर ऑप्शन डी है हैशटैग प्लांट बैम्बू। तो आपको इसका जवाब देखना है, आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, बाकी इसके जवाब आपको अगले वीडियो में दिए जाएंगे। और एक चीज यहाँ पे मैं थोड़ा शेयर कर दूँ आप सभी से, सॉरी फॉर फंबलिंग, कि बिहार में 19वां नगर निगम सहरसा को बनाया गया है। किसी एक वीडियो में शायद मैंने पूर्णिया कहा है, मुझे ये ख्याल आया था तो मुझे लगा आप सभी के साथ एक बार मैं शेयर कर दूं। ठीक है, तो ये याद रखना है कि 19वां नगर निगम कौन सा है? सहरसा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही है और बाकी मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखें, धन्यवाद।